प्यारे दोस्तों, आज हम आपको समझाएंगे कि आप कैसे भारत में अमीर बन सकते हो। देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमीरी है वो तो है हमारी हेल्थ, हमारी जो सेहत है वो हमें अमीर बनाती है। पर फिजिकल रूप में आपके पास कितना धन है, यह भी एक आर्थिक रूप से अमीर बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो धन से आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि अगर आपने अमीर बनना है तो टेक एंड गिव की थ्योरी को अपनाइए। टेक, आपको कितना धन कमाना है, कितना पैसा आपने कमाना है कि आप अपने आप को अमीर समझोगे। कोई व्यक्ति है वो कहता है कि मैं 10,000 महीने का कमा लूं तो मैं अमीर हूं। कोई व्यक्ति कहता है मैं 1,00,000 कमाऊं, कोई कहता है 20,00,000 कमाऊं, कोई कहता है 40,00,000 कमाऊं। तो यह आपने फिक्स करना है। मान लीजिए कि आप एक महीने का 1,00,000 कमाते हो, मान लीजिए कि आप कमाते हो ₹1,00,000, 1,00,000 रुपया आप महीने का कमाते हो, तो आपने क्या कहना है? अगर आप सोचते हो कि मैं 1,00,000 महीने का कमाता हूं तो मैं अमीर नहीं हूं, तो आपने इसका 10 गुना कर देना है, 10 times। 10 गुना कर दिया, जितना आपके पास धन है कमाते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा 10,00,000। अब आपने ये सोचा, यह एक फिक्स कह दिया, ये आपकी एक डिजायर है, आपने 10,00,000 एक महीने में कमाना है, तो फिक्स कीजिए 1 month। 1 महीने में मैंने 10,00,000 कमाना है, एक महीना फिक्स होना चाहिए, इच्छा फिक्स होनी चाहिए कि 1 अगस्त है 2013 से 31 अगस्त 2013 तक 1 महीने में मैं 10,00,000 कमाऊंगा। विदिन 1 month आई विल अर्न 10,00,000 रुपीज। 10,00,000 का मतलब है 1,000,000। जब 1 महीने में आप 1,000,000 कमाओगे तो 1 साल का आप 12,000,000 कमाओगे, तो आप अपने आप ही अमीर बनते जाओगे। एक वक्त आएगा आप 1,000,000,000 कमाओगे, तब अब आपके पास 1,000,000,000 होगा। तो क्वेश्चन है कि इसके बदले में आप क्या दोगे, उसको कहते हैं गिव। गिव देना है। आपके पास प्रोडक्ट हो सकता है, आपके पास सर्विस हो सकती है। दुनिया में 2 ही चीजें दी जा सकती हैं, या किसी को सर्विस या किसी को प्रोडक्ट। उसकी वैल्यू 10,00,000, 10,00,000 के बराबर होनी चाहिए, इक्वल टू दिस। ये हमेशा बराबर होने चाहिए। जो आपने पैसा लिया, कोई फ्री में पैसा नहीं देता, उसके लिए आपको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देनी पड़ेगी। जितनी आपकी इच्छा है, जितना आप चाहते हो, जितना आप अमीर बनना चाहते हो, उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। सोचिए, इसकी प्लानिंग बनाइए, इसकी एक योजना बनाइए, क्या देना है। जितनी अच्छी क्वालिटी दोगे प्रोडक्ट्स और सर्विस में, उतनी छेती आपके पास 1 महीने में 10,00,000 आएंगे। तो इसको मैं इस तरीके से बता सकता हूं कि आपके पास बहुत हाई एजुकेशन है, आपके पास बहुत ज्यादा दिमाग है तो 10,00,000 कमाओगे, ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको समझाता हूं। यह है 10,00,000। मान लीजिए आप 1,00,000 कमाते हो 1 महीने में, यह आपकी करंट पोजीशन है, 10 times इसके होते हैं, इट मींस 10 times
आपको 10 लाख तक पहुंचने के लिए, इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए 10 महीने लगते हैं, मंथ्स। अगर आप यह चाहते हो कि यह जो 10 लाख हैं एक महीने में आ जाए, इट मीन्स वन टाइम, तो आपको एक मंथ लगेगा। सीधी सी बात है कि अगर आप यह 10 लाख कमाना चाहते हो तो अपने जैसे 10 व्यक्ति पैदा करने पड़ेंगे। दिस इज अ 10 टाइम्स, यानी 10 एक्सपर्ट पीपल। दस व्यक्ति पैदा करने पड़ेंगे जो आपको 1 लाख दें, तथा वो 2 लाख कमाएं, 1 लाख आप रखें और 1 लाख आपको दें। उसके लिए आपको ऐसे व्यक्ति ढूंढने पड़ेंगे जो आपके साथ पार्टनरशिप करें, आपके एम्प्लॉयज बने। तो 10 एक्सपर्ट की सिर्फ आवश्यकता है, वो प्रोडक्ट सेल करें, वो सर्विस दें, कोई भी सर्विस दें, कोई भी प्रोडक्ट दें, तो आप यह 10 एक्सपर्ट से 10 लाख रुपए एक महीने में कमा सकते हो। क्योंकि अगर एक व्यक्ति है, आपने कैपेसिटी चेक की, आपकी 1 लाख कैपेसिटी है, तो 10 लाख कैसे कमाओगे? 10 व्यक्ति बनाने पड़ेंगे। व्यक्ति बनाने के लिए आपको सिर्फ उनको स्किल्स बतानी है, टैलेंट है उसमें।